मित्रों, आज राष्ट्रीय पर्व है जो देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले से लेकर के इस गांव तक में भी मनाया जा रहा है। बड़े खुशी की बात है और होना भी चाहिए। और आज हमारे वहां अगर जो ईमानदारी से देखा जाए तो सीमा पे जो जवान आज लगे हुए हैं और खेत में जो किसान अपनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, इनके ऊपर आज हमारे देश का विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो कि ये बहुत ही मुख्य पर्सन है, जवान और किसान, इस देश की देश को आजाद करवाने में अगर जो जवानों ने लड़कर मेहनत किया तो किसानों ने उन्हें चीटी से लेकर हाथी तक को भोजन की व्यवस्था कराने का प्रबंध किया। मित्रों, मैं ज्यादा समय ना लेकर के आप सभी लोगों का, क्योंकि अभी मजार में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां भी प्रोग्राम लगा हुआ है, जाना है। लेकिन एक चीज कहेंगे, मेरे प्रिय बाल्य और तथा इनके अभिभावकगण, अभिभावकगण से तो खास करके कहना है कि अपनी गाड़ी कमाई का लगभग 60% इन बच्चों के पढ़ाने, शिक्षा, पठन पाठन में जरूर लगाएंगे। आप जो भी आप कमाते हैं उसका 60% ईमानदारी से इन प्यारे बच्चों के ऊपर अगर जो लगा दिया जाए तो निश्चित तौर पर आज जो प्यारी आजादी की लड़ाई हमारे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लड़ी जाती है, निश्चित तौर पर यह लड़ाई में विजय मिल जाएगी। सोचना नहीं पड़ेगा। हम अपने खर्चे को काट करके इन बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना दें। मैं तो बड़े ही दावे के साथ कह रहा हूं कि जनपद संत कबीर नगर में एक मगर विद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर एक रिक्शेवान के लड़के को इंजीनियर बनाने का संकल्प लिया गया था और 100% उसको पूरा करके दिखा दिया। क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजों में हमारे गरीब के बच्चे जा नहीं सकते हैं, जो ऊंची हवेलियों के कॉलेज में वहां बच्चे जा नहीं सकते हैं, गार्जियन जाने में भटकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को एक तकनीकी शिक्षा हर हाल में देने का काम करें, डॉक्टर बनाने का काम करें, अच्छा नागरिक बनाने का काम करें, देश में आगे बढ़कर के देश का नाम रोशन करें। और इस विद्यालय के समस्त बच्चों को ये पूरे किसान समुदाय की तरफ से आशीर्वाद है कि ये बच्चे भविष्य में चलकर के देश के लिए अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और इस विद्यालय का नाम रोशन करें और उस देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।